हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि नई शिक्षक संविदा भर्ती है 2024 की, जिसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी है। और इस संविदा भर्ती में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 27,500 रुपये पर मंथ, आपको सैलरी मिलेगी। उसके साथ और क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें किन किन राज्य को आवेदन करने का मौका मिलेगा और इसकी लास्ट डेट कब है, ये आपको बताना बहुत आवश्यक है। और इस वैकेंसी को कवर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और इसको देखने के तुरंत बाद ही अप्लाई करिएगा, वेट मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा। क्योंकि वैकेंसी कवर करने में थोड़ा सा मुझे डिले हुआ है कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, जिसके वजह से आप डिले मत करिएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आया है 22 तारीख को, ठीक है। 22 अप्रैल को एडवर्टाइजमेंट है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 तारीख। ध्यान से देखिएगा, ये है परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय अणु शक्ति नगर मुंबई, मुंबई की वैकेंसी है। और इसमें जो एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हुआ, जूनियर कॉलेज हुआ, वहाँ पर वैकेंसी आई है, जिसमें आपको आवेदन करना है। जिसमें पोस्ट कौन कौन सी है पहले वो बता दें। देखिए, अगर पीजीटी की बात किया जाए तो पीजीटी के लिए यहाँ पर दिया मैंने, बताया ना, 27,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। और अगर देखा जाए तो एज बोला गया मैक्सिमम 50 साल मेन के लिए रखा गया है, 55 साल वोमेन के लिए रखा गया है। अगर कोई रिटायर्ड टीचर है तो वो 65 साल के बाद भी पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है, ठीक, KVS हो, NVS हो, AE हो, इन सभी से। अब TGT की भी पोस्ट है, जिसमें 26,250 रुपये पर मंथ मिलेगा, 45 और 55 मैक्सिमम रखा गया है एज क्राइटेरिया, मेल के लिए 45, फीमेल के लिए 55 साल। अब इसी तरह हम प्राथमिक की बात करेंगे, PRT म्यूजिक टीचर की बात किया जाए तो 21,250 रुपये प्रति महीने मिलेगा, ठीक है। और देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि इसमें एज क्राइटेरिया मेल के लिए 40 साल रखा गया मैक्सिमम और फीमेल के लिए 50 साल रखा गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन मांगेगा क्या। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है मास्टर डिग्री, यानी आपके पास पीजी होना चाहिए प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं बीएड किए हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पीजीटी इंग्लिश, यानी पीजी आपने एमए किया हो इंग्लिश में, कंप्यूटर साइंस में किया हो, या फिर मैथ से किया हो, या फिर कॉमर्स व फिजिक्स व केमिस्ट्री, इनमें से किसी से आपने पीजी किया है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। दूसरी चीज़, आप बीएड किए होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक ऑप्शनल चीज़ है कि आपके पास ऑनलाइन नॉलेज, जैसे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो, टीचिंग पढ़ाने की जो स्किल हो, आपको इंग्लिश में आनी चाहिए, और आप ऑनलाइन बेसिस भी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की गई है। तो कहने का मतलब, पूरी तरह डिजिटली आप कहीं भी रहकर आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो ये रहने खाने वाले की समस्या थोड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं होगी। तो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो अब अगले हम बात करते हैं टीजीटी की। देखिए, मेरे जितने व्यूअर हैं वो ध्यान सुनिएगा, जब भी आप टीजीटी की मैं बात करूँ तो एक चीज़ ध्यान दिमाग में ध्यान रखिएगा, टीजीटी का मतलब है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ये दो चीज़ कम से कम होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, आपका सीटेट पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी के लिए। अब टीजीटी के लिए तो मैंने बता दिया, अब इसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, इंग्लिश है, सोशल साइंस है और मराठी सब्जेक्ट्स है, इन सभी में से आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स है, उसके बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, हिंदी और संस्कृत है, कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, आर्ट है, स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी, इन सभी की वैकेंसी आई है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर TGT पेट मेल की बात किया जाए, पेट मेल है, और उसके बाद लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ, आप इसको आप देख सकते हैं और आप इसको भर सकते हैं। आप कहेंगे सर इसको हम पढ़ना चाहेंगे, तो आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, उस लिंक को ओपन करिए और वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर इस पेज को पढ़िए और पढ़ने के तुरंत बाद ही अप्लाई करिएगा, लेट मत करिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब ये देखिए, PRT संगीत की बात किया जाए, संगीत में 10+2 होना चाहिए उसके बाद, ठीक है ना। अगर आप PRT के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके ऑब्वियस ये बात है कि आपका 12th होना चाहिए। अब अगर हम बात करें प्रिपरेटरी टीचर, बाल वाटिका के लिए देखा जाए तो प्री स्कूल के लिए बात किया, सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट हो, यानी इंटरमीडिएट आपने किया हो, ये चीज़ होनी चाहिए। अब देखिए, ये चीज़ ठीक है। अब इसमें आपका परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा, यहाँ पर लिखा है सिलेक्शन ऑफ मोड कैसे होगा, आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें 50 अंकों के वंशिक प्रकार के परीक्षा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, 50% या उससे अधिक आपको पाना आवश्यक होगा, ठीक है, तभी आप कंसिडर किए जाएंगे अगले टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर दिया है टाइमिंग इंटरव्यू देने के लिए, ध्यान सुनिएगा, इंटरव्यू होगा आपका और रिटेन टेस्ट होगा आपका। देखिए, मैं बता दूँ कि आपके पास समय कम है, आज अगर ये वीडियो देख रहे हैं फटाफट अप्लाई करिए, कल ही इंटरव्यू देने जाना है, 1 मई को देने जाना है,
और स्किल टेट 2 मई को होगा, यानी बहुत कम समय बचे हैं, इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। कब किसका है इंटरव्यू, कितने बजे से, ये पूरा मेंशन किया हुआ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, देख लीजिए और फटाफट इंटरव्यू देने चले जाइए। ये तो था आपका टीजीटी पीजीटी का। अब इसके अलावा आपको कोई जानकारी लेना है, फॉर्म कैसे भरना, तो आपको देखिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे ना तो इस पीडीएफ में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, इसको भरिएगा। भरने के बाद, ठीक है, भरने के बाद इनके बताए हुए एड्रेस पर आप कल पहुँच जाइएगा और इंटरव्यू दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन दिया है, अब इस इन्फॉर्मेशन पर गौर करिए, और कुछ न समझ में आए तो इनके बताए हुए नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अगर इसके बाद भी न समझ में आए तो हमें कमेंट्स करिएगा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे इनके कॉन्टैक्ट करने का। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन देना था वो मैंने दे दिया, अब आपकी चॉइस है आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। और अगर आप भर रहे हैं फॉर्म, आपका चयन होता है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। चलते हैं अगली वैकेंसी के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।